आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में मैं दिव्यांश सैनी आज आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं आपको केवल मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिससे आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आप भी उससे मोटिवेट होने वाले हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द लाइफ स्टोरी ऑफ द सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक फुटबॉल प्लेयर, एक ग्रेट फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम है सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी कि आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर के बारे में नाम सुना होगा। आज मैं आपको उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आप उनके उनकी लाइफ को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकें। तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे वो एक रिच फैमिली से नहीं, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना पैशन क्या बनाया, फुटबॉल को बनाया उन्होंने अपना पैशन। यानी कि उन्होंने फुटबॉल पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, उन्होंने अपने फुटबॉल को क्या बना लिया, पैशन बना लिया। एट द एज ऑफ 8, केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, उनको एक क्लब में चले गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अच्छी तरीके से फुटबॉल खेला और 10 साल की उम्र में जाके उनको अपने शहर से बाहर एक और फुटबॉल क्लब में उनको चूज कर लिया गया, उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। वहाँ पे वो खूब अच्छी तरीके से वहाँ पे फुटबॉल खेले। फुटबॉल खेलने के बाद और उनको क्या हुआ, उनको एक प्रॉब्लम थी जो कि उन्हें पहले इनिशियली नहीं पता थी, उसके बाद उनको पता चला। उनको ये पता चला कि मेरे हार्ट में क्या एक प्रॉब्लम है। तो जब उनको डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने उनके लिए क्या कह दिया कि आपको क्या करवाना पड़ेगा, हार्ट को बदलवाना पड़ेगा या फिर इसका ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप फुटबॉल को नहीं खेल सकते। इतनी बड़ी बात कह दी सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डॉक्टर ने। तो उन्होंने क्या किया, अपने गोल को, उनका गोल क्या था, एक फुटबॉल प्लेयर, एक महान फुटबॉल प्लेयर बनना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने गोल को उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने हर्ट का क्या करा, ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर से और सही हो गए। उसके बाद वो मैदान में उतरे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अच्छे फुटबॉल क्लब में उनका सिलेक्शन हुआ और एंड में आके वो एक अच्छी फुटबॉल टीम में आके उनका सिलेक्शन हो गया और वो अपनी टीम के कैप्टन भी बने। तो इस स्टोरी से मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ या मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप केवल क्या करिए, अपने गोल पे, अपने पैशन पे, अपने पैशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, वर्क हार्ड करिए। यानी कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करने वाले आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और सबसे ज़्यादा उनकी जो लाइफ स्टोरी थी वो कहाँ से बदली स्टूडेंट, वो मैं आपको और बता रहा हूँ। क्लास में एक बार क्या हुआ था, उनके टीचर ने उनसे क्या कह दिया कि आप फुटबॉल खेलते हो, क्योंकि उन्हें क्या पता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर क्लास में कम, बाहर फुटबॉल ग्राउंड में ज़्यादा होते थे। तो उनके टीचर ने क्या कह दिया कि ये जो फुटबॉल है, ये जो गेम है, ये आपको खाने के लिए नहीं देगा। यानी कि इससे आप ये नहीं है कि आप अपना पेट भी भर पाओ। यही बात सर को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और उन्होंने फुटबॉल में इतना बड़ा नाम करने की वहीं सोच ली। तो आज वो एक ग्रेट प्लेयर है और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्या है, बहुत सारी चैंपियनशिप जीती हैं, अपने टीम को मेडल तक पहुंचाया है, ओके, और अपने आप भी बहुत सारे मेडल्स उन्होंने सिक्योर किए हैं, ओके, उनको बहुत सारे मेडल्स मिल चुके हैं। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में उन्होंने, बहुत फीफा टूर्नामेंट है, ओलंपिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है और वो बेस्ट प्लेयर हैं फुटबॉल के इस समय में। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वो क्या है, बेस्ट प्लेयर हैं। तो सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप मोटिवेटेड हों। आपका अभी क्या है, आप अभी केवल क्या करिए, अपनी स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो है इस समय स्टडी। तो आप स्टूडेंट स्टडी करते रहिए विद द हेल्प ऑफ साइंस का जादूगर। साइंस के जादूगर पे आपको मेटेरियल मिल रहा है, वहां से आप स्टडी करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे वीडियोस के लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, हमारा कॉन्टैक्ट है। हाँ, आप हमसे फेसबुक पे ऐड हो सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी साइंस का जादूगर, वहां पे आप हमें लिंक भेज सकते हैं, वहां पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमको केवल और केवल रिजल्ट अच्छा चाहिए और आप हार्ड वर्क करिए बस। हमको ये नहीं है, हम जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो हम आपके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करिए, आप बहुत ईमानदारी के साथ हमारे चैनल पे पढ़िए और इनकी वीडियोस देखिए ताकि हम और ज़्यादा, हम भी मोटिवेटेड हों और हम आपके लिए और अच्छा मैटर लेके आए।
तो आज की मैं इस वीडियो में यहीं पे एंड करने वाला हूँ। आप मोटिवेटेड रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।